थोड़ा देर बैठ कर। देखिए हमारे कुछ चाहने वाले मिल गए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर एक और बार। मैं मनोरंजन वर्मा, आज जहानाबाद में और हम लोग जा रहे हैं घूमने दशहरा का मेला। जैसा कि आप लोगों ने हमारे पीछे पिछले वीडियो में देखा था, हम लोगों ने इवेंट करवाया था फॉरएवर में, फॉरएवर डांस के तरफ से। आज हम लोग जहानाबाद का घूमेंगे मेला। हमारे साथ है गुल्लू, क्रिस, धोनी और दोनों वो लोग जो ब्लू ब्लू में दिख रहे हैं, वो दोनों हमारे मित्र हैं। चलिए जहानाबाद एक्सप्लोर किया जाए, जहानाबाद घूमा जाए और घूमते हैं हम लोग दशहरा का मेला, मस्ती करेंगे, खाए पिएंगे और मिलते हैं आगे वीडियो में। अभी हम लोग आए थे स्टेशन के पीछे वाले पे, यहाँ पर मूर्ति पे कम और चाय वाले स्टॉल पे ज़्यादा भीड़ था। बताइए ये है आज की नई भीड़, यही सब हो रहा है। अभी हम लोग आए थे स्टेशन और स्टेशन पे काफी भीड़ था और यहाँ से स्टेशन से होकर हम लोग जाएंगे निचली रोड की तरफ, मलहचक, पंचमहला, उधर की, उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल मोड़ होते हुए निकलेंगे इधर से ठाकुरबाड़ी की तरफ और ठाकुरबाड़ी का मेला आपको दिखाएंगे, मेला में एंजॉय करेंगे हम लोग। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और भीड़ बहुत है, बुला नहीं ना जाएगा रे? नहीं, तो अगर बुला जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। नंबर कागज़ में नंबर लिख के दे दिया पॉकेट में। हम लोग पैदल ही घूम रहे हैं, क्राउड काफ़ी ज़्यादा है, तो मिलते हैं यहाँ से हम लोग आपको अंदर तरफ। भीड़ बहुत है, बुलाना कोई नहीं बात। अभी हम लोग घुस चुके हैं मलहचक में। सबसे पहले जाएंगे यहाँ से जहानाबाद का सबसे लंबा पंडाल मलहचक देवी मंदिर के पास, पहले वहीं पर चलते हैं, वहीं का दर्शन करते हैं, फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग अंदर मलहचक में घूम रहे हैं। कल के मुकाबले आज बहुत ज़्यादा क्राउड है। आप लोग कल घूमे थे इंस्टाग्राम पे, आप लोगों ने देखा था काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। आज है, कल नहीं था। और अभी तो भाई इधर मलहचक में ही है, यहाँ ठाकुरबाड़ी पे जाने के बाद क्या हाल होने वाला है देखते हैं। अभी हम लोग घूमते घूमते आ गए हैं हॉस्पिटल मोड़ की तरफ, कुछ पेट पूजा करने, क्योंकि भाई घूमते घूमते हालत ख़राब हो गया है, पैर भी दर्द देने लगा है और इस बच्चे को भूख भी लग गया, तो पहले कुछ भोजन कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग घूमते हैं दोबारा यहाँ से डायरेक्ट। अभी हम लोग पहुंच गए हैं ठाकुरबाड़ी में, देख सकते हैं आप लोग कितने भीड़ भड़ाका से बच कर हम लोग आ गए हैं ठाकुरबाड़ी में। कल के मुकाबले यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, बोलो यहाँ पे सबका मोटिव होता है मेला में घूमने आने का, तुम्हारा क्या मोटिव है?
घूमने आए हो? आपका खाने पीने नहीं आए हो? ऐसे हम लोग दोनों बात पी लिए हैं, बस हम लोग घूमने आए हैं, बस यहाँ पे एंजॉय करेंगे थोड़े देर। झुलवा उलवा तो घूमते नहीं है, ये भी ट्राई करेंगे और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से घर रात के। अभी फिलहाल बज रहे हैं रात के 10:30 हो चुके हैं गाइस, अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं जगह, उसके बाद निकलेंगे जी। भाई दशहरा में आने के बाद ये चीज़ ट्राई नहीं किया तो फिर क्या किया। एक अनोखी बिस्कुट है हमारे बगल में, वो भी हम लोग पहले चल कर ट्राई करते हैं, बहुत अट्रैक्टिव सा लगता है ये और काफ़ी छोटा आइसक्रीम है, इसको भी ट्राई करते हैं। बगल में स्मोकी बिस्कुट है, इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं। दशहरा में सबसे ट्रेंड में चलने वाला भाई यही है, स्मोकी बिस्कुट लिक्विड नाइट्रोजन को मिलाकर इसमें दिया जाता है। हमारे गुल्लू बाबू ट्राई करने वाला है इसको, जल्दी से इसको खिलाते हैं, उसके बाद जाते हैं हम लोग अंदर पंडाल की तरफ। तो दीजिए भैया जरा खिलाइएगा जरा एक चस्का। यहाँ पर गुल्लू ट्राई करने वाला है स्मोकी बिस्कुट, खिला देते हैं। धुआं निकालो, अरे मुंह में जी खा लिया। कैसा लग रहा है? बोलो बोलो कैसा है? बढ़िया लग रहा है। हम लोग अभी थे गोलक्ष्मी मंदिर में, यहाँ पर थोड़ी देर बैठ कर देखिए हमारे कुछ चाहने वाले मिल गए। बहुत बहुत धन्यवाद, अभी वीडियो चल रहा है बाद में। अरे भाई 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 लक्ष्मी मंदिर से निकल कर अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए। हमारे सभी दोस्त लोग, एक छोटा वो जो चला गया पहले ही, सभी लोग है। हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपने घर के लिए। कहाँ जाना है? अब कहूँ नहीं जाना है, बस चलते हैं घर। नहीं चलिए, घर जाने के बाद बस ऑटो मिल जाए, वरना हम लोग को जाना पड़ेगा पैदल। पैदल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 5 है, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। लोग घर आ चुके हैं, घूम घाम कर बहुत थक गए हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। हम लोग लाइक सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करते रहें। गुड नाइट, टाटा बाय बाय।